हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा मुझे। और आज वीडियो की शुरुआत मैं हरियाली से कर रही हूँ, फूलों से कर रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है इस टाइम, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं, हरी हरी गार्डन, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत सारे फूल आज खिले हुए हैं। अब तो गुड़हल बड़ा हो गया है, काफ़ी फूल आने लगे हैं, बहुत सारी कलियां खिलती हैं रोज़। पहले बहुत सोचा करती थी एक दिन बड़ा सा गुड़हल होगा, बहुत सारे फूल आएंगे, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इस बार इतने सारे फूल आ गए हैं। और इधर अमरूद की तो हालत ख़राब ही है। हाँ, कल एक कमेंट भी आया था कि आप इसको मतलब सपोर्ट करके बांध दो, इस तरह से बांधा हुआ था, लेकिन ये तूफ़ान ने कर दिया है, तूफ़ान की वजह से हो रहा है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर इसको करने वाले हैं ठीक, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे पसंद है इस तरह फूल देखना, पौधे लगाना, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग पाता उतना। आप लोग देखते हैं, समझ सकते हैं कि कितना काम होता है, तो मेरा टाइम ही नहीं लग पाता, नहीं तो मुझे इतना मन करता है कि ये फूल लगाऊं वो फूल लगाऊं। तो चलिए, ये तो फूलों की बात हो गई, और अब दिखा रही हूँ मैं आपको अमरूद का पेड़, जिस ये पूरा झुक गया है इस तरह से, कपड़े सुखाने वाला जो तार बांधा हुआ है उस पे मतलब टिक गया है, तो इसको भी अभी ठीक करना है, सपोर्ट देना है इसको, जब ही जाके थोड़ा बहुत बच पाएगा। और यहाँ देखिए आम के पेड़ पर कोई ज़्यादा आम नहीं आया है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, बस 3 आम आए हैं, तो वही अभी तक सुरक्षित लगे हुए हैं, गिरे नहीं हैं अब तक, तो बस इनको देखकर खुश हो जाते हैं। और गुलाब पर भी फिर से बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, कटिंग कर दी थी इसकी, तो नए नए जो इसकी शाखाएँ निकली हैं हर किसी पे कली आ रही है, इस तरह से फूल भी खिलने लगे हैं। और आज गार्डन की बातें ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पता नहीं आप बोर तो नहीं हो गए होंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, चाय वगैरह हो गई है, पूजा सुबह की क्लीनिंग सब हो गई है, यहाँ अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया है, उसमें सरसों का तेल डाला है, हींग डाला है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, और बारीक कटी हुई मैंने इसमें प्याज डाली है। और सब्ज़ी बनाने लगी, ये नहीं बताया अभी कि क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं अरवी की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि लिक्विड वाली है, और इसीलिए आज मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, थोड़ी जल्दी बन जाएगी। लिक्विड वाली हमेशा मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और अब मैंने इसमें प्याज को थोड़ा सा भुनने के बाद डाली है हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली थी मैंने जिनको बारीक काट लिया था, और थोड़ा सा अब डाला है मैंने ग्रेट करके इसमें अदरक। और अदरक होने के बाद मतलब प्याज अदरक होने के बाद लहसुन आज मैंने नहीं डाला है अरवी में, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड वाली अरवी में लहसुन नहीं डालती। और बस प्याज भुन गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, ज़्यादा डार्क नहीं किया है कलर प्याज का, हल्का ही रखा है। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच डाली है हल्दी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद बारीक चॉप किए हुए मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, पेस्ट नहीं डाला है, चॉपर में चॉप किए हैं, पेस्ट सा ही बन जाता है, बस ज़्यादा बारीक नहीं होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए, एक अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं आप, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और तेल सेपरेट हो गया है बहुत अच्छे से। इस टाइम पर मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर, अरवी में थोड़ा सा खटास चाहिए क्योंकि ये लेज होती है इनके अंदर काफ़ी, तो या तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, तो आज मैंने यहाँ अमचूर पाउडर डाला है। और बस अरवी इस तरह से काटी है, थोड़ी सी लंबी लंबी, ज़्यादा लंबी नहीं काटी है, लेकिन आज जो राउंड वाली होती है मतलब गोल गोल वाली पीस, वो नहीं काटे हैं, तो ये लंबी लंबी काटी हैं। और बस जितना भी हमें इसमें पानी चाहिए उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया था, जितनी भी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है। और 3 सीटी मैंने इसमें लगवाई हैं, 3 सीटी के बाद आप देख सकते हैं अरवी बहुत अच्छे से गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और 2 मिनट के लिए इसको फिर मैंने खुला करके पकाया है, जिससे कि जो इसकी ग्रेवी है और अच्छे से दिखने लगे, गाढ़ी सी हो जाए।
और सूखी अरवे की सब्ज़ी मैं कम बनाती हूँ, इस तरह से लिक्विड ज़्यादा बनाती हूँ। और देखिए मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्के से मसाले के साथ ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और बस फुलके मैंने सेक लिए हैं, ये मैंने मिर्च फ्राई करके रखी हुई हैं, जैसे एक बार मैंने वीडियो में भी दिखाई थी तो फिर से की हैं, वो ख़त्म हो गई थी। और ये मिर्च भी ख़राब नहीं होती हैं, इन्हें बहुत टाइम तक हम चला सकते हैं, फ्रिज में रख दें किसी कांच के कंटेनर में भर के, तो ये अचार की तरह ख़राब नहीं होती। और बस सैलड, अरवी की सब्जी और खीरे का रायता, तो ये है हमारी लंच की थाली। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कीजिए आके, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन टेस्टी है, सादा खाना है लेकिन अच्छा है। और बस सुबह का सारा काम करने के बाद यहाँ मैं बैठी हूँ थोड़े से कपड़े फोल्ड करने के लिए। कपड़े थोड़े से धुले थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज लेकिन धुले थे। और आपको थोड़ा सा यहाँ वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो गेट खुला हुआ है, बाहर से धूप की रोशनी आ रही है थोड़ी सी, कूलर चला रखा है, गेट खुला है, तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट सा हो रहा है सब, क्योंकि बाहर की रोशनी आ रही है इस वजह से। और पहले मुझे भी नहीं ध्यान आया, बाद में जब मैंने एडिट की तो तभी मुझे ध्यान आया, देखा मतलब कि ये क्या हो रहा है, कलर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कपड़ों का, सब वाइट वाइट दिख रहा था। काम मेरा सारा सुबह का हो गया था तो मैंने सोचा इनको भी फोल्ड साथ साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है, अब जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो किचन का काम करने के बाद अब मैंने इनको साथ साथ उतार के फोल्ड कर लिया है यहीं पे बैठ के, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, फिर अगर इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर इनका नंबर नहीं आता पूरा दिन, फिर आलस आ जाता है, दोपहर में लेट जाते हैं, तो गर्मी इतनी लगती है कि बस पूछिए मत, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा काम करना है किचन में, आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया, मीठा दलिया बनाऊँगी, तो ठंडा हो जाएगा, फिर गर्मी में ठंडा ही अच्छा लगता है, तो जल्दी ही बना दूँगी, लंच में खा लेंगे, क्योंकि पता ही है आप लोगों को लंच हमारे यहाँ ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है जब ये ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस तो जाना होता ही है, ये तो लॉकडाउन में थोड़े बहुत दिन रहा है ऐसा कि हमारा रूटीन चेंज रहा है, लेकिन उस दिन से ही फिर ऐसा ही है, इसलिए लंच सुबह ही बन जाता है, ये लंच लेकर चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं, और पापा भी लंच हैवी नहीं लेते हैं, बहुत हल्का फुल्का लेंगे, जैसे दलिया बनाऊंगी तो वो ले लेंगे, या फिर अपना सत्तू लेते हैं, सत्तू अगर आप लोगों को पता हो जो गर्मी में खाया जाता है तो वो लेते हैं, तो इस तरह का ही लेते हैं दोपहर में वे, लंच में ज़्यादा नहीं लेते, सर्दी में भी नहीं, बस हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर सीधा दोपहर में ये हल्का लिया लंच में, और फिर शाम का खाना, शाम का फिर अच्छा खाना बनता है अच्छे से, सुबह और शाम को, बीच का कम रहता है मेरे पास यहाँ इस तरह, मतलब जो किचन का प्रेशर है वो कम होता है किचन के काम का, शाम का और सुबह का ज़्यादा रहता है, तो बीच में मेरे जितने भी काम होते हैं वो हो जाते हैं आराम से। और यहाँ अब इनका फ़ोन आया था तो मैं इनसे बातें कर रही हूँ, कपड़े लगभग हो ही गए हैं, फिर इसके बाद चलती हूँ किचन में। और यहाँ बातें हो रही हैं नया कलेक्शन लाने की, क्योंकि काफ़ी कम रह चुका है और काफ़ी निकल गया है, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, और जिनके पार्सल मिल चुके हैं उन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत अच्छा है फैब्रिक, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, यहाँ भी बोलना चाहूँगी, और आपको व्हाट्सएप पर तो बोल ही दिया है, तो ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है, तो बस यही सोच रहे थे हम कि फिर से कुछ नया लेकर आऊँ। और हाँ, अगर आपको फेसबुक का लिंक नहीं पता है तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में दलिया बनाने के लिए, उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें देसी घी डाल लिया है थोड़ा सा, 2 बड़े चम्मच के करीब डाला होगा, दलिया में ज़्यादा घी नहीं चाहिए, थोड़ा ही घी चाहिए होता है, और 1 कटोरी मैंने यहाँ दलिया लिया है, दलिया ये घर का है, पापा लेकर आए थे, मतलब हम लोग जब गए थे ससुराल तो ये दलिया घर का है, होममेड बना हुआ दलिया, रेडीमेड नहीं है, तो देखिए इसको मैं यहाँ भून लूँगी चलाते हुए, मीडियम आँच पर ही भूनना है, अगर ज़्यादा आँच करेंगे तो दलिया जल जाएगा और अच्छे से भुनेगा नहीं, तो इसका सुनहरा सा कलर करना है हमें, गोल्डन सा कलर आने तक इसको इस तरह चलाते हुए भून लेना है।
और अगर दलिया में हम ज़्यादा घी डालते हैं फिर वो दूध डलेगा इसमें, तो दूध के ऊपर तैरने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। बस थोड़ी सी इसमें खुशबू आ जाए भुनने के लिए, इतना ही इसमें चाहिए होता है, क्योंकि दाने होते हैं बारीक बारीक, दलिया में कोई आटा वगैरह तो नहीं होता है कि वो घी को अब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ भून लूँगी। और दलिया दूध वाला सबको पसंद है हमारे घर में, बच्चों को सबको पसंद है, बच्चों को तो दूध वाला ही पसंद है, गुड़ वाला वो नहीं खाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। गांव में पहले गुड़ वाला ही दलिया बनाया जाता था और फिर उसके ऊपर कच्चा दूध डाल के खाया जाता था, जो भैंस का ताज़ा दूध कच्चा निकलता था जब हम छोटे थे गांव में, तो इस तरह से होता था। लेकिन अब गांव में भी ये वाला ही बनता है, गुड़ वाला कम खाने लगे हैं बच्चे। तो बस इसको मैं यहाँ भून लूँगी, शेयर करूँगी कभी, मैं गुड़ वाला भी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब गर्मी में दलिया बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो देखिए दूध मैंने इसमें डाल लिया है, 1 लीटर के करीब मैंने इसमें दूध डाला है यहाँ पर, और दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। जितना गाढ़ा हम दूध लेंगे उतना ही अच्छा टेस्टी दलिया बनेगा, ये तो पता ही है सबको, खीर बनाए या दलिया बनाए दूध मतलब अच्छा होना चाहिए। तो बस इसको चलाते हुए मैं बीच बीच में एक दो बार चेक करती रहूँगी, और मीडियम आँच पर इसको पकाना है। पकाना तब तक है ये, एक तो दलिया गल जाए, मतलब जो मोटा मोटा दलिया है वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर देखिए कढ़ा हुआ सा दिखने लगा है, तो इस तरह से इसको कढ़ाना है, मतलब अच्छे से जितना दलिया हम कढ़ा कर अच्छे से बनाएंगे उतना ही दलिया टेस्टी बनेगा। और मैंने इसको कढ़ाया है काफ़ी, देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है इसकी, अब ये काफ़ी थिक हो गया है, ऐसे नहीं है अलग अलग नहीं दिख रहा है मतलब। और अभी मैं थोड़ा सा इनके लिए फीका निकाल रही हूँ, ये जब आएंगे तो ये अपना फीका लेंगे। और चीनी इसमें टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितना भी आपको मीठा, कम मीठा पसंद है तो कम डाल लें, ज़्यादा मीठा है तो ज़्यादा डाल लें, तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से डाली है। और देखिए चीनी मेल्ट होने के बाद फिर ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ठीक रखा था। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसको पतला चाहिए तो आप दूध की क्वांटिटी इसमें बढ़ा लें, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए ठंडा होने के बाद अब मैंने इसको सर्व किया है, पहले अच्छे से इसको ठंडा किया है, ठंडा दलिया बहुत टेस्टी लगता है। और ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाले थे, क्योंकि आप लोगों को पता है हर बार मैं बताती हूँ बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, अंदर ऊपर से खा लेंगे लेकिन अंदर नहीं मतलब पसंद है उनको। तो आइए आप लोग भी टेस्ट करिए और बताइए मुझे कि कैसा बना है दलिया। तो ये हम लंच में खाने वाले हैं, ये हमारा लंच है आज का, इस तरह से ही होता है। सब्जी रखी होती है या तो फिर मैं फुलके सेक लेती हूँ अगर ज़रूरत महसूस होती है खाना है, या फिर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी सेकती हूँ, मैं बना के भी रख लेती हूँ, अपने काम के हिसाब से रखती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा काम होता है तो मैं सुबह ही फुलके भी बना के रख लेती हूँ। गर्मी है ऐसा नहीं है कि ठंडे नहीं खा सकते, तो ठंडे भी खा सकते हैं, और फिर कैसरोल में रख देती हूँ तो गर्म गर्म ही निकलते हैं। तो इस तरह से होता है हमारा लंच। और सच में दलिया बहुत टेस्टी बना था, पहली बार बनाया है आज तो इसलिए भी ज़्यादा टेस्टी लगा होगा, लेकिन दलिया टेस्टी ही लगता है इस तरह का बना हुआ। हाँ जी, मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ, अब सोई नहीं हूँ, सोने का मन था लेकिन सोई नहीं, सो जाती हूँ तो फिर बहुत लेट हो जाता है, और आज मुझे एक दो फ़ोन करने थे तो मैं फ़ोन पे लग गई, और फिर जब फ़ोन में लग जाते हैं ना तो फिर पता ही नहीं लगता टाइम कितना चला गया, कब चला गया, कुछ पता नहीं लगता। तो फिर मुझे आलस भी आ रहा था, नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर मैं बैठ गई, मैंने सोचा चलिए दो बातें आपसे कर लेती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा नींद आती नहीं है, लेकिन गर्मी में ना थोड़ा सा आलस आ जाता है, खाना खाने के बाद जब लंच करके लेट जाते हैं ना तो थोड़ा सा आलस आ जाता है मुझे, और नींद मेरी ऐसी होती है अगर कोई 10 मिनट भी लिटा दे तो 10 मिनट में भी मैं सो के उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत ज़्यादा देर मुझे सोना ज़रूरी है या मेरी आँख नहीं खुलेंगी, तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ 10-15 मिनट में ही। ऐसे ही मम्मी सोती थी पहले, लेकिन जब हम बच्चे थे ना तो ऐसा लगता था कि मम्मी इतनी जल्दी कैसे उठ जाती है, तो मम्मी हमेशा 10-15 मिनट की नींद ली और फिर उठ गई। ऐसी है मम्मी की भी आदत, पहले भी ऐसे ही करती थी और अब भी ऐसे ही करती है। अब थोड़ा सा एज हो गई है तो अब थोड़ा सा ज़्यादा सोने लगी है, और नींद मम्मी को बहुत जल्दी आती है, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, मुझे बहुत लेट नींद आती है, तो आज मैंने वो छोटी सी नींद नहीं ली। आज क्या मैं कई दिनों से नहीं सो रही हूँ दिन में, कल मुश्किल से 5-10 मिनट लेटी थी मैं कल, आज नहीं लेटी, आज वो भी छोड़ दिया क्योंकि आज फ़ोन करने थे तो फिर मैं फ़ोन पे लग गई, इतना टाइम नहीं मिलता है। और आज मैं सोच रही थी कि
कि आपके साथ जवे की वीडियो शेयर करूं। जो वीडियो गई है जिसमें मैंने नमकीन जवे बनाए थे तो उस पर भी बहुत कमेंट आए हैं, और पहले मैंने दूध वाले बनाए थे तब भी बहुत कमेंट आए हैं कि जवे की वीडियो बनाओ, कैसे जवे तोड़ते हो। तो इस बार ना मेरा टाइम ही नहीं लग पा रहा है अभी जवे तोड़ने का। हालांकि मैंने मैदा और सूजी मंगा के रखे हुए हैं, मंगवा लिए थे पहले इनसे जब सामान लेकर आए थे, और वो मिक्स भी करके रख लिए हैं। मैं मैदा और सूजी मिक्स करके तोड़ती हूँ, तो वो मेरा तैयार रखा है। आज मैं आटा बनाने वाली थी लेकिन फिर नहीं बनाया, फिर मन नहीं किया, अरे चलो छोड़ो। तो अभी मुहूर्त नहीं बन पा रहा है जवे तोड़ने का, कि मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं कि जवे कैसे तोड़ती हूँ। देखिए जवे का काम तो बहुत ही लंबा होता है, कई घंटे लगते हैं जवे तोड़ने में, ऐसा नहीं है, तो इतना टाइम नहीं था। और अभी पता नहीं क्यों आलस आ रहा है, तो अभी मैंने फिर आज मना कर दिया। और बच्चे अभी यहीं थे, दूसरे रूम में गए हैं, दोनों भाई लगे होंगे फ़ोन वोन में ही, क्योंकि होमवर्क दोनों कर चुके हैं, अभी बैठ के कर रहे थे। श्रेय बोला था मम्मी मेरा एक दो दिन में ही फिनिश हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं मिला है तो उसका काम तो ख़त्म ही हो जाएगा। सोच रही हूँ एक दो दिन में फिर स्टॉक लाने की, थोड़ा सा नया ले आऊँ, और कुछ एक दो सेट मुझे वही वाले फिर से लाने हैं जिनकी डिमांड है, और वो मुझे लेकर आने हैं। बोला हुआ है मैंने उनको कि ये सेट बचा के रखना जहाँ से हमारा स्टॉक आता है, तो वो मैं मुझे लेकर आने हैं। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मंगवाऊँ या फिर लेकर आऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में बार बार जाते हुए ना थोड़ा सा डर लगता है बाहर इस तरह से, लेकिन फिर अगर मैं देख के लेके आती हूँ हर एक चीज़, हर एक कपड़ा कैसा है, कट कितना है, तो वो मैं वहाँ साथ साथ पूछ लेती हूँ। अभी इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है कि मैं हर कपड़े की जानकारी रखती हूँ कि ये कपड़ा कौन सा है कैसा है, तो थोड़ा सा पूछना भी पड़ता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है इस तरह से। और कपड़ा अच्छे से देख के लाती हूँ, जो मुझे पसंद आता है वो ही लाती हूँ। देखते हैं जिस दिन भी ये छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि संडे का इंतजार तो नहीं कर सकती, सोच रही हूँ पहले ही लेकर आऊँ थोड़ा सा। और हाँ लॉकडाउन की वजह से देखिए स्पीड पोस्ट में भी देर लग रही है बहुत ज़्यादा, कुरियर पहुँच नहीं रहे हैं। स्पीड पोस्ट से भेजे हैं फिर भी मैंने भेजा है उनको, जो रसीद मिली थी वहाँ से वो सबको भेजी है, लेकिन फिर भी समझ सकती हूँ मैं, टेंशन तो होती है कि भाई इतना टाइम हो गया अभी तक हमारा पार्सल नहीं मिला। तो प्लीज़ जो भी सुन रहे हों, वीडियो देख रहे हों, वैसे तो मैं व्हाट्सएप पर भी आंसर कर ही रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लेट मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, और 1% अगर नहीं भी मिलता है तो आपका पैसा वापस होगा। इतना यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यही कह सकती हूँ लॉकडाउन की वजह से लेट हो रहा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ही जानकारी नहीं है। ट्रैक कर रहे हैं हम जहाँ तक भी हो पा रहा है, लेकिन बीच का फिर वो कुछ दिखाता नहीं है। जो पहला स्टॉप होता है उसका, जो पहले स्टॉप इससे निकलता है तो वहाँ से दिखाया है, मतलब यहाँ से हरिद्वार के बाद फिर आगे जहाँ गया है वहाँ का दिखाया, उससे आगे का नहीं दिखा रहा है। तो टेंशन मुझे भी है, ऐसा नहीं है मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना ले, वो टेंशन मुझ पर छोड़ दें, मेरी है सारी। जब तक आपके हाथ में पार्सल आपका नहीं जाता है तब तक की सारी गारंटी मेरी है, फुल जिम्मेदारी मेरी है, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी इस बात की। होती है, समझ सकती हूँ, मेरा ऐसा कुछ होता तो मुझे भी होती, समझ सकती हूँ मैं, बस मेरा विश्वास कीजिए, इतना ही बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। लॉकडाउन की वजह से हो रहा है ये, स्पीड पोस्ट जो होता है बहुत जल्दी जाता है पार्सल, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें सारा ही कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ नहीं पता। और कैमरा मैं हाथ में रखने लगी हूँ तो हिलता है, मुझसे एक जैसा नहीं पकड़ा जाता, बिल्कुल नहीं पकड़ पाती इस तरह मैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ कि हाथ को बिल्कुल एक जगह रखूँ, एक जगह नहीं रहता है, हिलता चलता रहता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से तो बताइएगा मुझे ज़रूर, अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं ट्राइपॉड सामने रख के सेट कर लूँगी कैमरा। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ मैं, अच्छा लगता है पढ़ना। रात में टाइम मिलता है अब तो रात में ही पढ़ती हूँ, या थोड़ा बहुत दोपहर में होता है इस टाइम पढ़ लेती हूँ। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।